हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज इरफान पिंजर, यू वाचिंग टेक आईपी। तो गाइस बात कर रहे हैं MI 12 के बारे में। तो चाइना से कुछ लीक्स निकल के आई है जिसके अंदर इसके डिस्प्ले के बारे में, कैमरास के बारे में और इसके स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के बारे में बातें सामने आई। सबसे पहले अगर बात की जाए इस फोन के बारे में, तो गाइस ये फोन इंडिया के अंदर नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है। तो ये फोन आपको 2022 के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च होता नजर आ जाएगा। जहाँ तक बात है इस फोन के बारे में, तो गाइस ये फोन काफी तगड़ा होने वाला है और एंड्रॉइड स्मार्टफोन मार्केट के अंदर काफी तहलका मचा सकता है। अगर बात की जाए इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 का सक्सेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 895 का प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि पहला फोन होने वाला है जिसके अंदर प्रोसेसर यूज किया जाने वाला है। तो गाइस इसकी परफॉर्मेंस जो होने वाली है ना, काफी तगड़े होने वाली है। और मुझे नहीं लगता है कि एंड्रॉइड मार्केट के अंदर ऐसा कोई फोन है जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 95 को टक्कर दे सकता है फिलहाल में। अगर बात की जाए इसके कैमरा के बारे में, तो गाइस इसके अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का रियल कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस 200 मेगापिक्सल का जो रियल कैमरा होने वाला है वो सैमसंग की तरफ से आने वाला है। बट अगर बात की जाए इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसे होने वाली है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो आप एक फोटो क्लिक करेंगे उसकी साइज 12 MB की होने वाली है, जिससे पता चलता है कि इस फोन की जो डिटेलिंग होने वाली है वो काफी तगड़ी होने वाली है और फोटो जो है वो काफी झकास निकलने वाले। बट अगर बात की जाए फ्रंट कैमरे के अंदर, तो फ्रंट के अंदर आपको पंच होल के अंदर कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है। अगर बात की जाए डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि फ्रंट फेसिंग कैमरे के साथ आने वाला है। अगर बात की जाए इस फोन की प्राइस के बारे में, तो ये फोन जो है 70,000 की प्राइस के ऊपर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 895 का प्रोसेसर, जो कि काफी तगड़ा होने वाला है, इसका परफॉर्मेंस देखने लायक होगा। सैमसंग ने जो इसके अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, वो आपको सैमसंग गैलेक्सी S22 के अंदर भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस ये काफी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है दोनों ही फोनों के अंदर। एक तरफ सैमसंग का कैमरा होने वाला है उसके प्रोसेसर के साथ, और यही सैमसंग का कैमरा होने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ। तो ये कॉम्पिटिशन देखने के लायक होगा। तो गाइस आपको क्या लगता है MI 12 के बारे में, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।